हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले क्रिस वाइडमैन का मैच हुआ था ओमारी एक्मेडोव से, और बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हेडलाइन चलाया होगा, ही इज़ बैक इन द गेम। और मैंने बात किया था, लेकिन मेरे ख्याल से जो जो मैंने बात की थी ना, वो आई एम स्टिल स्टैंड ऑन इट। और मैं क्रिस वाइडमैन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक दिन पहले, मतलब कल, यस्टरडे, उसने ट्वीट किया है कि ही वॉन्ट्स टू फाइट इसराइल अलासान्या। और हमको ऐसा लगता है कि इस तरीके का अगर कोई ट्वीट करता है ना, जिसके पीछे कुछ मैटर नहीं होता है, तो मतलब उसके वॉइस का कुछ रह ही नहीं जाता है। मतलब कि एक फाइट तुम जीतने के बाद, वो भी ओमारी एक्मेडोव से, जो अपने बेस्ट पर नहीं था, और उस फाइट में तुम 3 राउंड में 2 राउंड जीते, और उसके बाद से डायरेक्ट चैंपियनशिप, मतलब इजराइल अलासानिया को कॉल आउट कर दिया। दैट इज जस्ट लाइक रबिश। मैंने अभी कुछ देर पहले अभी जो बात किया था कार्लोस कॉन्डिट के बारे में, और उसी तरीके का फाइटर आप कह सकते हैं क्रिस वाइडमैन है, मतलब एज के लिहाज से। और लेकिन उतना ज्यादा उसका, मतलब उतना ज्यादा मैच नहीं खेला है क्रिस वाइडमैन में ने, तो इस वजह से मतलब कॉन्डिट से ज्यादा उसकी बॉडी फ्रेश है अभी। और अभी वो, हमको ऐसा लगता है कि मे बी ही कैन गेट अ चांस। लेकिन अभी 3-4 फाइट्स के बाद, मतलब 3-4 फाइट जीत जाओ अच्छे से, रैंक्ड ओपोनेंट्स के साथ 1-2 फाइट और जीत जाओ, उसके बाद से मतलब तुम कॉल आउट 3 फाइट लगातार 4 फाइट लगातार के बाद, जीतने के बाद अगर करो इसराइल अलासानिया, अगर वो उस वक्त तक चैंपियन है, तो मतलब दैट इज लाइक, मतलब ठीक है तुम डिजर्व करते हो। लेकिन अभी, और मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि उसने जब ट्वीट किया और उसने ये बात रखी कि मैंने तुमसे अच्छा परफॉर्म किया था केविन गैस्टिलम के मैच में, मतलब केविन गैस्टलम के साथ जो इजराइल अलासानिया वाला मैच था, तो वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि 50-50 टाइप का मैच था इजराइल अलासानिया के लिए। और इजराइल अलासानिया और केविन गैस्टलम का, जब क्रिस वाइडमैन और क्रिस केविन गैस्टलम का मैच हुआ था, तो क्रिस वाइडमैन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये एक मैच या दो मैच कॉमन ओपोनेंट के साथ तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तो मतलब कि यू विल गेट और यू डिजर्व अ चैंपियनशिप राइट नाउ। मतलब कि जब इसराइल अलासानिया ने अपने नेक्स्ट ओपोनेंट पाब्लो कॉस्टा के मैच के तुरंत बाद बता दिया कि जैरेड कैननियर इज माय नेक्स्ट ओपोनेंट, अगर रॉबर्ट विटिकर जीतता है तब थोड़ा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन तब भी मतलब वो उस तरीके के गाय है, और मतलब अभी सबसे ज्यादा पेपर व्यू जनरेट कर रहा है, सबसे, क्या पता कॉर्नर ने तो अभी जनवरी से मैच नहीं किया, लेकिन खबीब ने भी मैच अभी नहीं किया है रिसेंटली, लेकिन अभी इसराइल अलासानिया इज अ हॉट प्रॉस्पेक्ट इन एमएमए, और तुम डिजर्व अभी नहीं करते हो। और हमको ऐसा लगता है ना कि वो आइडिया, मतलब जैसे कि मैंने बहुत लोगों का ओपिनियन सुना है, और मैंने बहुत लोगों का ओपिनियन सुना है कि इसराइल अलासानिया और क्रिस वाइडमैन के बीच में अगर मैच हुआ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट ओपोनेंट होगा इसराइल अलासानिया के लिए, क्योंकि रेसलिंग बैकग्राउंड क्रिस वाइडमैन का बहुत ज्यादा अच्छा है। पहला बात की उसका इतना ज्यादा एज हो चुका है, और मे बी इन 2022 अगर वो मैच होता है इन दोनों का, और उस वक्त तक क्रिस वाइडमैन 38 ईयर्स का हो जाएगा, उतना ज्यादा वो क्विक नहीं है। वो लास्ट आप मैच में देखिए, उसके जो एकमेडोव के साथ मैच हुआ था ओमारी के साथ, तो उसमें उतना ज्यादा वो क्विक नहीं है सिंगल लेग डबल लेग में जाने में। और मतलब आप सोच रहे हैं कि क्रिस वाइडमैन जो अपने टॉप पर था, जो एंडरसन सिल्वा को 2 बार हराया था लगातार उसने, और उसके बाद से मुनियोस को हराया था, और चैंपियन था बहुत ज्यादा डोमिनेंट मिडिल वेट में, और अभी क्रिस वाइडमैन, पहले वाला क्रिस वाइडमैन हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंपिटेटिव मैच होगा इसराइल अलासानिया से, क्योंकि अभी इसराइल अलासानिया अपने टॉप पीक कंडीशन में है, स्ट्राइकर काफी अच्छा है और टेकडाउन डिफेंस भी काफी अच्छा है, लेकिन टेक डाउन रेसलिंग गेम हम मानते हैं कि क्रिस वाइडमैन का भी अपने टॉप गेम में काफी अच्छा था, लेकिन उसका टॉप गेम इज इन द पास्ट और इसराइल अलासानिया इज इन द प्रेजेंट। तो पास्ट का वाइडमैन और प्रेजेंट का अलासानिया के बीच में आप कैसे मैच कराइएगा? टाइम मशीन तो नहीं है आपके पास, तो मतलब यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है, टाइम मशीन अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई है। तो क्रिस वाइडमैन का मैच होना चाहिए लूक राकोल्ड के साथ, और इन दोनों के बीच में एनामोसिटी काफी है, और लूक ने भी बोला है कि वो फाइट गेम में फिर से आना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में मैच हो सकता है। ये दोनों लेजेंड हैं, चैंपियन रह चुके हैं मिडिल वेट में, और काफी अच्छा पेपर व्यू जनरेट होगा। तो यूएफसी को इसका ख्याल रखना चाहिए कि पेपर व्यू ये दोनों जब तक जनरेट कर सकते हैं जनरेट कर लो, क्योंकि इसराइल अलासानिया के साथ जो मैच होगा वो कंपिटेटिव नहीं होने वाला है।